रक्तस्राव जास्ति होना। चौथा रोग है रक्तस्राव बिल्कुल नहीं होना। कभी कभी ऐसा होता है कि मासिक पाड़ी 2-3 दिन होना चाहिए, 1 दिन ही होता। कभी ऐसा भी होता है कि वो 15 दिन में ही फिर से आ जाता है। कई बार ऐसा होता है 2 महीने तक नहीं आता। तो ये सब मासिक पाड़ी के जितने भी त्रास हैं, इसकी हमारे स्वयंपाक घर में बहुत अच्छी औषध है, या स्वयंपाक घर के बाहर औषध है, अशोक के पान का चटनी। अशोक है, अशोक का झाल देखा? अशोक, ये अशोक नहीं है, ये है, देखो ये झाल को क्या बोलते हैं मराठी? हाँ, ये अशोक का झाल। अशोक के झाल 2 होते हैं, एक तो सीधा होता है लंबा, वो नहीं, और एक ऐसे फैला हुआ होता है गोल, जैसे ये है, ये वाला ज्यादा अच्छा है। इसका क्या करना है, 5-6 पान तोड़ना, 6 पान, फिर उसका चटनी बनाना। चटनी बना के 1 गिलास पानी में उबालना, गरम करना, गरम करके उसको ठंडा करना, फिर उसको पीना, और सुबह सुबह पीना खाली पेट अनुशासन होते। कितने दिवस पी सकते हैं? 30 दिवस सतत पीना, लगभग 30 दिवस 1 महीने, उसमें से सभी त्रास ठीक हो जाएगा। मासिक पाड़ी के जितने भी त्रास हैं, उसकी ये अकेली सबसे अच्छी औषध हमारे घर में है, या घर के नजदीक है, मुफ्त में है, होकर है। कमर में दर्द होता वो भी ठीक होगा, लेकिन वही कमर का दर्द जो मासिक पाड़ी के समय होता है, बाकी समय नहीं। बाकी समय ठीक करने के लिए चूना खाना पड़ेगा। अभी मैं भोजन करता था, कोई 2-3 ताई मेरे पास आई थी मासिक पाड़ी की तकलीफ, उनके लिए भी यही औषध। फिर से बताता हूँ, औषध बहुत महत्व की है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए, आप सभी के काम की है। ये अशोक के पान 5 या 6 तोड़ना, इसकी चटनी बनाना, चटनी बना के 1 गिलास पानी में गर्म करना, पानी इतना गर्म करना कि आधा हो जाए, ज्यादा देर गर्म करना, फिर ठंडा करना, उसको ठंडा करके पीना, और जो भी उसमें पान है ना वो चबा के खा लेना, उसको छानना नहीं। 30 दिन आपने किया 1 महीने सतत, उतने में बहुत सारा त्रास ठीक हो जाएगा। और जिनको 30 दिन लेने से थोड़ा त्रास ठीक हुआ, पूरा नहीं हुआ, तो और 30 दिन लेना, उसके बाद लेने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। दूसरा एक औषधि है, वो भी इसी काम में आता है, मदद होता है। मासिक पाड़ी के दिनों में बहुत तकलीफ हो रही हो, दर्द हो रहा हो, कमर में, पेट में चिड़चिड़ हो रही हो, तो उस समय एक तात्कालिक औषधि है जो बहुत मदद करती है, बहुत आराम देती है, वो है गाय का तूप। गाय का तूप 1 चम्मच, 1 गिलास पानी गर्म करके डाल के उसको पीना, 1 गिलास पानी खूब गर्म करना, उबालता हुआ, जैसे चाय के लिए पानी गर्म करते हैं ना, इतना गर्म करना, फिर उसमें 1 चम्मच तूप डालना गाय का, फिर वो पानी पीना, चाय की तरह से पीना। चाय कैसे पीते हैं? सिप सिप करके ऐसे पीते। तात्कालिक इससे बहुत आराम होता है, और ये सतत 4-5 दिवस ही पीना, जाती नहीं। जितना मासिक पाड़ी का समय है उतना ही समय पीना, 4-5 दिवस जास्ती से जाए। सबके लिए, पेट के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, स्तन में बहुत दर्द हो रहा है, छाती में दबाव पड़ रहा है, सिर में बहुत चक्कर आ रहे हैं, सोते दुख रहा है, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, मासिक पाड़ी के समय कुछ भी त्रास हो, उसके लिए। और सतत आपको जीवन पर्यंत, माने जब तक मासिक पाड़ी है तब तक ठीक रहे, कोई ज्यादा त्रास ना हो, उसके लिए आप चूना खाना, दही में डाल के, नहीं तो ताक में मिला। चूना कितना लेना? मैंने बोला थोड़ा सा चूना 1 ग्राम,
और 100 ग्राम दही या दही की ताक उसमें मिला के सुबह पीना, तो सतत जीवन पर्यंत आपको सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है, अभी कोई प्रश्न हो तो पूछो।